पांच राज्यों में चुनाव है अगले साल की शुरुआत में कम से कम तीन ऐसे राज्य दिखाई दे रहे हैं जहां पर आप लोग कॉन्टेस्ट में हैं अच्छे से किससे शुरुआत करें सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे देता हूं जी कार्यक्रम शुरू होने के पहले अभी अभी मैं सीधा रेलवे स्टेशन से आ रहा हूं आपके प्रोग्राम में और अयोध्या जी के लिए तीर्थ यात्रा की दिल्ली से अयोध्या की पहली ट्रेन को मैं सी ऑफ करके आ रहा हूँ दिल्ली के एक हजार बुजुर्ग हमारे माता पिता समान बुजुर्ग आज दिल्ली से अयोध्या के लिए अभी रवाना हुए हैं वहाँ पे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे और इतने खुश थे इतने खुश थे मैं बता नहीं सकता बहुत खुश थे यू शुड हैव सीन देयर फेसेस उनके देखने चाहिए थे चेहरे अगर बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करने को मिल जाए बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने साधन नहीं दिए अपनी ज़िंदगी में तो उनको अगर कहीं से कोई तीर्थ यात्रा करा दे तो बहुत आशीष देते हैं पंजाब जीतने का आशीर्वाद मिला अरविंद जी हमें कोई जीत हार का आशीर्वाद नहीं चाहिए देश के लिए आशीर्वाद हो सबकी सुख शांति के लिए आशीर्वाद हो करोना से मुक्ति मिले सब लोग सुख शांति से जिए यही आशीर्वाद चाहिए चुकी अयोध्या की ट्रेन की रवानगी हुई है तो उत्तर प्रदेश से शुरू करना होगा हमें चर्चा को या कहीं से पंजाब से ही करें कहीं से शुरू कर दे देश तो पूरा ही अपना है राजनीतिक तौर पर अपना बनाते भी रहना है नहीं सारा देश अपना है राजनीति अलग चीज है सारा देश अपना है अपने को सारे देश के बारे में सोचना है अरविंद जी पिछली बार पंजाब में आप लोग काफी सोच कर गए थे कि पंजाब भी शायद अपना है लेकिन ऐसा हुआ नहीं जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें आप लोगों को मिली नहीं थी जीते या हारे पंजाब है तो अपना हारने से पंजाब में सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं हमें पंजाब कनेक्ट आपका अरविंद जी क्या है क्योंकि पंजाबी या तो गिद्दा के लिए जाना जाता है भंगड़ा के लिए जाना जाता है और बटर चिकन के लिए जाना जाता है आपका कनेक्ट क्या है पंजाब में बहुत विकास हो सकता है पंजाब में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मैंने जितना भी स्टडी किया खास तौर से खेती और इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल है इतनी पोटेंशियल है पंजाब का यूथ जो है पंजाब में यूथ ही नहीं बचा बहुत सारा यूथ तो विदेश चला गया और जो बचा वो नशे में डूब गया पंजाब को ठीक किया जा सकता है और पंजाब की बहुत तरक्की हो सकती है बशर्ते साफ सुथरी अच्छी राजनीति आ जाए अरविंद जी आपने तो बोला पंजाब आपका है आ, आप बहुत प्यार करते हैं जीते हारे पर आप अपने आप को आपकी पंजाबियत क्या है क्योंकि जो अभी नेहा ने सवाल किया उसी से पूछना चाहूंगी कि आपको एक्सेप्ट पंजाब करेगा कि नहीं करेगा आप ना नॉन आप ना नॉन वेजिटेरियन है आप ना पैग लगाते हैं आप ना भंगड़ा पाते हैं आपकी पंजाबियत क्या है इंसान का इंसान से है भाईचारा यही पैगाम है <laughs> पंजाब से प्यार मिलने की बात आपने की थी लेकिन राजनीतिक प्यार सीटों में ही परिवर्तित होता है तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी इस बार क्यों आपको लग रहा है पिछली बार भी कोशिश की इस बार फिर कोशिश करेंगे अगली बार और कोशिश करेंगे कोशिश करते रहेंगे ट्राई एंड ट्राई अगेन सक्सेसफुल मिलती है मिलेगी सक्सेस इसी बार मिलेगी देखना आप अमरिंदर सिंह छोड़कर चले गए उससे फायदा हुआ आपको या नुकसान हुआ जाहिर तौर पे देखिए पिछली बार कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने कहा था सबको रोज़गार देंगे घर घर में उन्होंने रोज़गार का एक कार्ड बांटा था कि जैसे कैप्टन साहब जीत जाएं ये कार्ड ले आना उनके घर पे और आपको रोज़गार मिल जाएगा तीस लाख कार्ड बांटे थे पाँच थे। साल में एक भी बच्चे को रोज़गार नहीं मिला फिर उन्होंने कहा था स्मार्टफोन देंगे चार वादे उन्होंने मेन किए थे एक भी बच्चे को स्मार्टफ़ोन नहीं मिला फिर उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन ढाई हज़ार कर देंगे पाँच साल में उन्होंने नहीं की फिर उन्होंने कहा था किसानों के लोन माफ़ करेंगे वो भी नहीं किए फिर अब चुनाव के तीन महीने पहले उनको लगा यार कैप्टन साहब को अगर जारी रखा तो हार जाएंगे तो उन्होंने वो बदल दिए अब चन्नी साहब आ गए चन्नी साहब भी कर कुछ नहीं रहे रोज ऐलान पे ऐलान करते हैं ऐलान पे ऐलान करते हैं उन्होंने कहा कि गरीबों को हम पांच पांच मरले के प्लॉट देंगे साइज़ होता है मरले इज़ द साइज़ जैसे एकड़ होता है मरले होता है पाँच पाँच मरले के प्लॉट देंगे लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में अभी तक एक भी आदमी को इस बार तो वो ऐलान ऐलान अब तो सरकार है उनकी दो दे, देना तो शुरू तो करें कम से कम एक भी आदमी को अभी तक प्लॉट नहीं दिया फिर मैं गया वहाँ पे मैंने कहा मैं बिजली माफ़ करूंगा जैसे दिल्ली में की तो दो दिन बाद वो कहते हैं मैं भी बिजली, बिजली माफ़ हो गई पंजाब में अभी तक एक भी आदमी का जीरो बिल नहीं आया तो वो अब

मुझे लगता है कि अब एक अच्छी राजनीति चाहिए विकास की राजनीति चाहिए ईमानदार राजनीति चाहिए ईमानदार नेता चाहिए कि जो कहें वो करें अभी झूठ पे झूठ वादों पे वादे ऐलान पे ऐलान अब पंजाब की जनता देख रही है एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है पंजाब के साथ कि पंजाब और दिल्ली के अंदर आवागमन काफ़ी ज़्यादा है पंजाब के लोग दिल्ली आते रहते हैं दिल्ली के लोग पंजाब जाते रहते हैं तो पंजाब के लोगों ने देखा कि दिल्ली में इतना विकास हो गया दिल्ली में आते हैं लोगों से बात करते हैं लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं लोग कहते हैं यार यहाँ बिजली पहले बहुत पावर कट लगते थे अब तो 24 घंटे बिजली आती है अब तो हमारे बिजली के बिल भी नहीं आते बिजली के बिल जीरो आते हैं फिर कई लोगों ने स्कूल देखे यहाँ पे दिल्ली के वो कहते हैं यार स्कूल तो बड़े अच्छे हो गए फिर अस्पताल देखे अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए तो फिर वो कहते हैं यार पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए तो पंजाब वाले कह रहे हैं एक मौका तो देना बनता है अरविंद जी और चन्नी जी का क्योंकि आपने जिक्र किया फ्रीबीज को लेकर आपने झड़ी लगा दी वहाँ पर चन्नी जी भी ने कहा कि तू डाल डाल तो मैं पात पात मैं भी फ्रीबीज की झड़ी लगा देता हूँ लेकिन ज़मीनी तौर पर, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे सवाल सुन लीजिए मेरा आप उन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे जब स्टेट में फंड्स की कमी है क्योंकि हज़ार रुपये आप महिलाओं को देंगे 300 यूनिट बिजली आप फ्री कर देंगे आपने वहाँ के बिजनेसमैन को अलग से पांच प्रोमिसज किए हैं कैसे हो पाएगा ये सब कुछ सब कुछ होगा ईमानदार आदमी आएगा ईमानदार सरकार आएगी ईमानदार पार्टी आएगी सब कुछ होगा दिल्ली में भी पहले बुरा हाल था दिल्ली में शीला जी के टाइम में अगर आपको याद हो वो कहती थी पैसा नहीं है पैसा नहीं है घाटे में चल रहे हैं घाटे में चल रहे हैं अब देखो पैसा भी आ गया बिजली भी फ्री हो गई स्कूल भी बन गए अस्पताल भी बन गए अभी बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा भी मिल गई फ्री में सब कुछ हो रहा है क्यों ईमानदार सरकार आ गई मैं आपको हिसाब भी बता देता हूँ मैंने पंजाब में मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ मैंने कहा पंजाब में फ्री बिजली देंगे दिल्ली में दी हमने तो मानते हो हम कर सकते हैं करना आता है हमको और हमको ही करना आता है और किसी को नहीं आता पंजाब में हमने कहा भाई हम इतनी बिजली फ्री देंगे उसका करीब दो से ढाई हजार करोड़ का खर्चा आएगा हमने कहा हर अठारह साल से ऊपर की महिला को एक हज़ार रुपये महीना देंगे पहले तो ये समझ लीजिए इसका इम्पैक्ट क्या है हर महिला को हज़ार रुपये महीना देने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अभी तक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं हमारे देश के अंदर देश का ये दुनिया का सबसे बड़ा वेमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होगा 18-19 साल की बच्ची जिसका कॉलेज छूट जाता है क्योंकि पिताजी पैसे नहीं देते बेटे को पढ़ाना चाहते हैं पिताजी परिवार बेटे को पढ़ाना चाहता है उसकी कॉलेज की पढ़ाई बंद नहीं होगी एक गृहिणी हज़ार रुपये अगर उसके उसमें आते हैं आज इतनी महंगाई हो रही है इतनी महंगाई हो रही है सारी सरकारों ने महंगाई कर दी अगर उसके पास हज़ार रुपए हम दे देते हैं वो पता नहीं कितनी चीज़ें कर सकती है बच्चों के लिए कुछ कर ही सकती है थोड़ा सा सब्जी ला सकती है दूध ला सकती है बच्चों को पता नहीं क्या क्या कर सकती है हज़ार रुपये एक बुजुर्ग महिला उसके हाथ में हजार रुपये आ जाते हैं कई लोग कहते हैं अमीरों को क्यों दे रहे हैं अभी मेरे पास एक अमीर दोस्त आया मुझे आके कहता है कि एक दिन मेरे पिताजी आए मेरे पास और मुझे आके कहते हैं कि बेटा मेरी जेब खर्ची लगा दे तो मैंने कहा पिताजी आपको जेब खर्चे की क्या जरूरत है मैं हूं ना आप मुझे हुक्म करो कहते मेरे को अब मार्केट में गोलगप्पे खाने जाना है तो मैं तेरे से पैसे मांगूंगा एक बुजुर्ग के हाथ में अगर जेब में हजार रुपये महीना आते हैं तो उसकी अलग से उसकी वो बनती है उसकी एक इंडिपेंडेंस आती है एक मिनट जल्दबाजी नहीं <laughs> <laughs> तो टोटल आठ हजार करोड़ रुपए के करीब का खर्चा है वेमेन वाला टोटल हो गए दस हजार करोड़ अब पंजाब का बजट टोटल है एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ आपके हिसाब से कितना परसेंट करप्शन होता होगा एक ठेका अगर दिया जाता है तो लोग कहते हैं चालीस परसेंट है पचास परसेंट है सारा खा जाते हैं मैं कहता हूँ बीस परसेंट मान लो तो चौंतीस हजार करोड़ रुपए का तो करप्शन करप्शन ही हो गया इस पैसे को बचा लेंगे जैसे दिल्ली में बचाया रेते का बिजनेस है वहाँ पे रेते में इतनी चोरी है अगर ये रेत की चोरी बच गई तो बीस हजार करोड़ यहाँ से आएगा तो चौवन हज़ार करोड़ हो गया अभी तो मैंने दस हजार करोड़ की फ्री भी दी है अरविंद जी इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि सिद्धू जी इसी को लेकर आप पर निशाना साध है उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाइए उन्हें रोजगार दीजिए उन्हें इस तरीके के मौके दीजिए कि वो अपने लिए खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें और उनके हाथ में पैसा आए फ्री देने से कुछ नहीं होगा मैं सिद्धू जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ आप सरकार छोड़िए हम कर देंगे पर अरविंद जी सिद्धू के साथ का मामला क्या है राघव चड्ढा कमेंट करते हैं तो बोलते हैं ये पॉलिटिक्स की राखी सावंत है आप थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं उन पर आपको अभी भी उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में आएंगे आपका सीएम फेस बनेंगे कोई पार्टी में नहीं आ रहे पता नहीं आपको किसने बहका दिया वो पार्टी में नहीं आ रहे वो मेरा किसी हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है अगर वो कोई अच्छी बात करते हैं हम उनकी तारीफ कर देते हैं विपक्ष में है तो क्या हुआ कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए अच्छी बातों की वो अगर कोई गलत बात करते हैं हम उसकी बुराई करते हैं तो दोनों करते हैं हम पर आप अगर वो विपक्ष से आपके पक्ष में आना चाहें तो क्या सिद्धू के लिए द्वार खुले हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में अगर आप उनका मैसेज लेके आई हैं तो मैं बता बात करूं नहीं तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है

मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊँगा तो पंजाब में नकली केजरीवाल रहेंगे <laughs> <laughs> नहीं वो जाएंगे अब उन्होंने कल खुद ही स्टेटमेंट दे दिया चन्नी साहब ने कल बोला कि उनके शायद कांग्रेस वालों ने उनको बोल दिया कि वो सीएम कैंडिडेट नहीं है अरविंद जी आपने क्लारीफिकेशन दे दिया नकली केजरीवाल पर लेकिन उनका एक और आरोप है कि आप काले अंग्रेज हैं आपके रंग पर भी उन्होंने टिप्पणी मैंने कर कल बोला था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं उन्होंने कहा कि वो लूट रहे हैं और इस बात को पहन मैं उनको चाहिए। कहना फिर से कहना चाहता हूँ कल मैंने बोला भी था देखिए मैं जैसा भी हूँ उन्होंने मेरे कपड़ों पे भी जब से मैंने कहा है ना कि मैं हर महिला को हज़ार हजार, हजार रुपये दूंगा तो वो मेरे को खूब गालियाँ दे रहे हैं चन्नी साहब बोले कि केजरीवाल कपड़े बड़े सस्ते पहनता है इसको कोई पाँच हजार रुपये दे दो अपने लिए अच्छी शर्ट खरीद लेगा मैं जैसे भी कपड़े पहनता हूँ मैं खुश हूँ पर जो हज़ार हजार रुपये दूंगा ना उससे मेरी माँ बहनें अपने लिए नया सूट खरीद लेंगी उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी मैं काला हूँ लेकिन अपनी सारी माँ के, को काला बेटा पसंद है ये अपनी सारी बहनों को ये काला भाई पसंद है मेरी नीयत साफ है मैं शक्ल से काला हो सकता हूँ मेरी नीयत साफ़ है मैं उनको कहना चाहता हूँ यही सस्ते कपड़े पहनने वाला और यही काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करके दिखाएगा सरकार बनने के बाद अरविंद जी आपने महिलाओं की बात फिर छेड़ी तो पूछना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं ने आपका क्या किया है यहां की भी तो बेटियों को दे दीजिए ना अगले चुनाव की वेट करनी पर देंगे देंगे जरूर देंगे कब देंगे जरूर देंगे चिंता मत कीजिए पेशेंस रखिए सब अच्छे काम होंगे चुनावी दौड़ शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक दलित डिप्टी सीएम फेस की बात की आपने कहा कि दलित सीएम हम करेंगे कांग्रेस ने बाजी मार ली उन्होंने दलित सीएम बना ही दिया आपको लगता है चन्नी के आने से पर कांग्रेस बदमाशी कर रही है कांग्रेस ने चुनाव के पहले तीन महीने के लिए दलित सीएम बनाया है क्योंकि उनको बस उनके वो वो कल को यकीन है चन्नी के चेहरे पर वो चन्नी वापस नहीं आएंगे वो कल उन्होंने खुद ही बोला है मैं नहीं कह रहा उन्होंने कल बड़े इम्फेटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं सीएम उम्मीदवार नहीं हूं उनको कांग्रेस हाईकमांड ने बोला है कि आपको सीएम नहीं बनाने वाले तो कांग्रेस ने दगा किया दलितों के वोट लेने के लिए ना आप दगा करेंगे क्या हम, आप, हम, आप दलित इस, तरह की, बनाएंगे? हम इस तरह की गंदी राजनीति मतलब दलित सीएम वाला मैंने लेकिन ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते कि चुनाव के तीन महीने पहले हम कर दें और फिर झूठ बोले और इस तरह के काम हम नहीं करते केजरीवाल जी वहां जो आपका वोट परसेंटेज है पंजाब में कितना पिछले चुनावों में रहा था कितना उसके बाद जब म्यूनिसिपल चुनाव अभी हुए आप जितने विधायकों के साथ आए थे उनमें से नौ या तो निकाल दिए गए या दूसरी कांग्रेस में चले गए तो आपका दावा इस बार अगर पंजाब का है तो किस आधार पर जनता चाहती है पर जनता तो वोट तो वोट परसेंटेज में क्यों नहीं आपके वो तो पास था हर बार ऐसे थोड़ी रहता है अब देखना इसी साल की तो बात कर तो वो तो फरवरी में था आपके सर्वे क्या कह रहे हैं सर्वे तो अभी हम करेंगे अच्छा। आप खांस रहे थे कि दिल्ली की पोल्यूशन है क्योंकि खांसी तो ठीक हो गई थी आपकी खांसी अभी भी ठीक है टच वुड फिंगर्स क्रॉस्ड खांसी ठीक ही रहे तो अच्छा है लेकिन पोल्यूशन एक इस वक्त इस वक्त एक सीरियस प्रॉब्लम है मैं ये कहूँ कि पॉल्यूशन ठीक हो गया वो ठीक नहीं होगा लगभग 30 सितंबर तक का जो डेटा आप अगर देखते हैं दिल्ली का तो वो उस टाइम पोल्यूशन ठीक था एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग सौ सवा सौ के नीचे था जो कि ठीक माना जाता है उसके बाद पोल्यूशन बढ़ने लगता है और वो आसपास के राज्यों में जो पराली जलती है उसका धुआं जब दिल्ली आता है उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये ठीक हो जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारी सरकारें मिल इसका पराली का भी समाधान निकालें ताकि किसान जो बेचारे दुखी होते हैं अब ये देखो कि दिल्ली में तो हमें पराली का धुआँ दिख जाता है मैं पंजाब गया था वहाँ के किसान बोले कि सर ये जितने टीवी वाले हैं और जितने सारे कहते हैं दिल्ली में पराली का धुआं दिल्ली में बोले आप ये सोचो कि जो किसान अपने खेत में पराली जलाता है उसके लंग्स का क्या हाल होता होगा वो कितना धुआं अंदर लेता है उसकी कोई नहीं सोचता उसको कितना धुआं लेने पे मजबूर कर रही है उनकी सरकारें समाधान क्यों नहीं निकाल रही है सारी सरकारें मिल उसको जलाने के लिए कोई किसान पराली नहीं जलाना चाहता उसको जलाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है अरविंद जी आ, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया आज हमारे मंच पर कि आप पंजाब के सीएम तो कम से कम नहीं बनने वाले यही रहेंगे आप मैंने कई कई बार, से प्यार है। कई बार बोल दिया कांटो हाँ। भरा ताज भले ही हो पोल्यूशन हो यहाँ पर वैक्सीनेशन की समस्या आपने गिनाई थी यमुना को लेकर आपको टारगेट किया जाता है लेकिन आप बने यही रहेंगे खतरों के खिलाड़ी हैं आप देखिए अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो खतरे तो होते ही हैं चैलेंजेस भी होते हैं मैं तो ये कहूँगा कि 2012 में जब हमने पार्टी बनाई थी नवंबर 26 नवंबर 2012 को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा हमारी सरकार बनी उनचास दिन की सरकार बनी उसमें जो हमने काम किए उसके बाद जनता ने सड़सठ सीट दे दी ये भी आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि सड़सठ सड़ सीट कोई नई पार्टी की आ जाए और इतने भारी बहुमत से आए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है तो चैलेंजेस तो हैं उन चैलेंजेस को आप सबके साथ मिलकर ही पूरा करेंगे नहीं मुझे लगता है कि ये उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी वो होती है कि जब आप बहुमत के साथ आते हैं और अगली बार सरकार रिपीट करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपने दिल्ली के सारे वादे पूरे किए अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने आठ लाख नौकरियों का वादा किया था नहीं जो आपको एंट्रीब्यूट होते हैं कॉमेंट्स तो आप एट्रीब्यूट भी, generate... भी आप ही लोग करते हैं या विपक्ष वाले करते हैं कि कह देते केजरीवाल ने ये कहा था पर जनरेट कर पाए आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हाँ काफ़ी किया काफ़ी किया मैं आपको थोड़े से टोटल स्टे जैसे एक छोटा सा करोना के टाइम पे मैं बताता हूँ करोना के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए फैक्ट्रियाँ बंद हो गई दुकानें बंद हो गई मार्केट बंद हो गई नौकरियाँ चली गई हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया हमने कहा भाई जिन जिन फैक्ट्रियों को और जिन जिन दुकानों को नौकरी की ज़रूरत है आप अपना एडवर्टाइज़ करो कि हमें नौकरी देनी देनी है और जिन जिन को नौकरी चाहिए वो अपना बायोडाटा डालो और यहाँ मैच मेकिंग हो जाएगी जब ये पोर्टल शुरू किया था हमने सोचा था कि अगर महीने भर में पच्चीस तीस हज़ार आ गई वैकेंसीज तो हम खुश हैं आपको जान के ताजुब होगा दो महीने के अंदर दस लाख नौकरियाँ उस पर एडवर्टाइज़ हुई थी दस लाख नौकरियाँ बुढ़ेरों लोगों को नौकरियाँ मिली थी फिर हमने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम चार लोगों की नौकरी लगती है हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी मतलब कि अगर आपको सरकार से अब दिल्ली में कोई भी काम कराना है तो आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है एक वन ज़ीरो सेवन सिक्स नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर डायल करो हमारी सरकार से कोई आदमी आके आपके घर काम करके जाता है इसमें ढेरों एजेंट्स की भर्ती हुई है सिविल डिफेंस वॉल्टियर्स बस मार्शल्स ढेरों लोगों की भर्तियाँ हुई हैं तो काफी नौकरियां दिल्ली में मिली हैं पंजाब में भी देंगे चलिए मैं पंजाब का एक और सवाल पूछना चाहूंगी अरविंद जी आपके साथ पंजाब का मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि चुनाव के पहले आप घोषित करेंगे कौन होगा दलित होगा क्योंकि आप बोल चुके हैं पहले दलित आप सीएम बनाएंगे ईमानदार होगा ईमानदार होगा, होगा पंजाब के स्कूल अच्छे करेगा अस्पताल अच्छे करेगा सबके लिए पानी की सुविधा करेगा बिजली की सुविधा करेगा खेती अच्छी करेगा इंडस्ट्री अच्छी करेगा ईमानदार सरकार देगा करे करेगा करेगी तो नहीं है आएगा करेगी हो गया। भी हो सकता है <laughs> वो तय हो <laughs> गया <laughs> अब आप बहुत डिटेल में मत जाइए उसकी हाइट कितनी होगी उसका वेट कितना होगा <laughs> तो करेगी भी हो सकती है अच्छा आदमी अच्छी औरत होगी अरविंद जी क्योंकि आपने स्पष्ट किया कि आपको दिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार है और दिल्ली से ही मुझे मेरे देश से प्यार है चलिए आपको देश से प्यार है आप देशभक्त हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि वो ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं जब भी उन पर कोई सीधी बात आती है वो सेंटर पर डाल देते हैं वैक्सीनेशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि कम डोजेज है पोल्यूशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए थे इसको लेकर अभी एक दो दिन पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है तो ये जो डाइवर्जन शिफ्ट हमेशा मुद्दों को लेकर रहती है इससे कब दिल्ली वालों को निजात मिले मैंने तो कभी किया अभी आपका पूरा स्टेटमेंट आप देखो ये सारे आपने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रखे हैं कि आपने ये कहा आपने ये कहा मैंने तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा जैसे अभी आपने कहा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले मैंने तो कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले वैक्सिने... मैंने तो कभी वैक्सीनेशन की कमी है तो हम कहेंगे कि कमी है देखो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जब कोरोना की सेकेंड वेव आई सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई अब ऑक्सीजन कौन देगा केंद्र सरकार देगी क्योंकि हमारे पास तो थी नहीं तो हमने कहा ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो अब आपको अगे ब्लेम गेम कर रहा लेकिन हम इतने चिल्लाए ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन आ गई फिर अगर हम नहीं चिल्लाते तो आपके लिए ऑक्सीजन कैसे आती तो माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है हम रोए हम चिल्लाए हमने वो तीन चार रातें जो हैं मेरे लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल थी इतने फ़ोन आ रहे थे इतने फ़ोन आ रहे थे यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही मेरे को बेड दिला दो मेरे को ये कर दो बेड हम एक साथ दस हज़ार बेड क्रिएट कर सकते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर मिल जाए तो हमें हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के कर सकते थे बहुत सारी जान बचाई जा सकती थी लेकिन हम चिल्लाए चीखे मांगा तभी तो ऑक्सीजन मिली अब वैक्सीनेशन उस टाइम कमी थी हम चीखे चिल्लाए मांगा तभी तो वैक्सीन मिले अब वैक्सीन की कमी नहीं है मैं कह रहा हूँ अब वैक्सीन की कमी नहीं है पर अब ओमिक्रॉन को देखकर तैयारी पूरी है हमारे पास पूरी तैयारी है मैंने अभी दो दिन पहले ही पूरी मीटिंग ली है तो ऑक्सीजन की बेड्स की दवाइयों की सब का जायजा हमने लिया है तो भगवान ना करे ओमिक्रॉन फैले लेकिन अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं सरकार ने गलत किया जो उन्होंने ऐलान किया था कि जो फ्लाइट्स हैं वो खोल देंगे मेरे ख्याल से सारे देश जितने भी हैं अभी तीन दिन पहले जापान ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी नेपाल ने अभी दो दिन पहले फ्लाइट्स बंद की हैं हमें भी कर देनी चाहिए थी टाइम पे अब जैसे ये दो कर्नाटका में जो मिले हैं ये साउथ अफ्रीका वाले आए हुए हैं अगर हम फ्लाइट्स टाइम पे बंद कर दें तो शायद रोका जा सकता था अरविंद जी क्या कभी आपने ये माना कि कृषि कानून जो लाए गए थे वो किसानों के हित में थे क्योंकि आपका एक वीडियो बार बार सर्कुलेट होता है क्योंकि अब आपने ये कहा कि देश के हित में फैसला हुआ है किसानों के हित में फैसला हुआ है कि इन कानों को वापस ले लिया गया यानी रिपील कर दिया गया है क्या कभी आपने ये माना था कि ये हित में कैसे हो सकता है जिसके हित में थे वो कह रहे हैं हित में नहीं है तो कैसे हित में हो सकते हैं उनकी सुनो ना मैं अगर आपके लिए कुछ करूं आप कहो नहीं नहीं इससे तो मेरा खतरा है मैं कहूं नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है तू अनपढ़ है तेरे को पता नहीं है ये तेरे लिए बड़ा अच्छा है ऐसे कैसे हो सकता है यार किसानों से ज़्यादा खेती किसी को नहीं आती एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर को किसानों से ज़्यादा खेती नहीं आती ये समझ लें वो किसानों को सबसे अच्छी आती है खेती किसानों को या तो समझा देते इतनी राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई किसानों को समझा देते भैया देखो ऐसे ऐसे है ये तुम्हारा फ़ायदा होगा वो समझा नहीं पाए जबरदस्ती कहना तुम्हारे हित में है तुम्हारे हित में किसान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है हम बर्बाद हो जाएंगे खेती बर्बाद हो जाएगी सुन लो उनकी और उनकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी करते वो कहते हैं एमएसपी दो कहते नहीं nah, एमएसपी नहीं देंगे जो वो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे जो वो नहीं मांग रहे वो देंगे थोपेंगे जबरदस्ती जिससे उनका कहना है कि खराब है तो हम, तो हम तो ये कह रहे हैं भाई किसानों को अपना भला सबसे ज्यादा पता है किसानों की सुनो किसानों के साथ बैठो वो बताएंगे आपको पर इसके रिपील से चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या आपको लग रहा है देर हो गई आपको क्या लग रहा है ये तो सर्विस बताएंगे एक एक करके लेकिन आपका राजनीतिक मुझे नहीं लग रहा उनको कोई फायदा होगा अगर तो उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए किया है तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत देर कर दी यूपी में फायदा होगा यूपी में फायदा होगा मुझे नहीं लगता लोग बहुत नाराज हैं देखिए एक साल किसानों को तड़पाने के बाद उनको इतना संघर्ष सात सौ किसान शहीद हो गए सात सौ कोई छोटा नंबर थोड़ी है सात सौ लोग इतनी धूप इतनी बारिश इतनी कड़क सर्दी उसके अंदर आपने किसानों को संघर्ष करने को मजबूर किया और एक साल बाद आप कहो तो ये और बड़ी अजीब पार्टी है जब कानून पास किया था तो बोले क्या वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और जब कानून वापस लिया तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी कर सकती है आपने कहा अरविंद जी के पंजाब आप जीतेंगे उत्तर प्रदेश आपके हिसाब से कौन जीतेगा जो जनता तय करेगी जो जनता जनता जनार्दन है अलायंस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बताएंगे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं क्योंकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी जिसमें आपने सबसे भ्रष्ट नेताओं का नाम पढ़ा था तो उसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था मैंने बताया ना कि अभी ऐसा कुछ भी हमने तय नहीं किया जब करेंगे तो बताएंगे पर मतलब आप मिल सकते हैं उनके साथ जाकर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? अरविंद जी क्योंकि आपने अभी कहा ना कि हाल ही में आप जब विधानसभा को एड्रेस कर रहे थे आपने कहा मुझे बीजेपी के नेताओं पर तरस आता है कि इनके नेता इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं आपको नहीं आता आपको तरस आया था <laughs> सर मैं ये पूछना <laughs> चाह रही हूँ कि क्यों आपको इतना तरस आता, तरस आता है तरस आता जो तीन बेचारे वहां पर विधायक हैं उन्होंने उन्होंने तीन बिल पास किए और ऊपर से आदेश आया भाई सारे जने बोलो कि वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है तो सारी बीजेपी वाले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है वाह क्या मास्टर सारी बीजेपी कहने लग गई आधे से ज़्यादा प्राइवेट में कहते थे यार कानून बड़े ख़राब हैं फिर जब कानून वापस लिए तो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे बीजेपी वाले लेकिन ऊपर से आदेश आए कि बोलो मोदी जी वाह क्या मा... सारे के शुरू हो गए वाह आपको भी तरस तो आता ही होगा यार की, की? तो हो हो मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया है ऐलान किया है मुख्यमंत्री के चेहरे का तो बाकी राज्यों से यहाँ पर फर्क क्यों हो गया उत्तराखंड में आप अपनी दावेदारी कैसी देख रहे हैं नहीं हर जगह करेंगे समय आने पर करेंगे समय हमें डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में सुना है चुनाव नहीं उठ पा रहा है आदमी पार्टी का क्या गलती हो रही है किसने कहा आपको सर्वेस कह यहाँ बैठ के अशोक सिंघल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं उत्तराखंड पर ही है देश पर अभी आएंगे हम तो <laughs> 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 अशोक जी अभी देश की तरफ हम एक एक राज्य करते हुए एक एक प्रदेश फिर पूरा देश और इसी 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 क्रम में फिर हम गोवा की तरफ भी चलते हैं जहाँ पर गोवा में भी कई काफी समय से आम आदमी पार्टी की बात तो होती है वहाँ पर अब धीरे 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 पोस्टर्स भी पटते जा रहे हैं लेकिन गोवा में आपकी राजनीतिक फिर आप सर्वे पूछेंगे इसलिए आपकी राजनीतिक समझ आपको गोवा में कहाँ पर खड़ा कर रही है देखिए गोवा के अंदर लोगों ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को ट्राई किया पिछली बार कांग्रेस को सत्रह सीट मिली थी बीस सीट चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए तीन सीट कम थी बीजेपी को बारह सीट मिली थी सत्रह में से तेरह लोग छोड़ के या बारह लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ अब लोग वहां ये कह रहे हैं यार कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा है तो सारे जाके फिर चुनाव के बाद यहां मिल जाते हैं और बीजेपी खुलेआम कह रही है कि हमारी इस बार अगर आठ सीट भी आ गई तो सरकार तो हमारी बनेगी क्योंकि चाहे कांग्रेस को मिले वोट चाहे हमें मिले हम कांग्रेस वाले हमारे में ही आएंगे अल्टीमेटली ये क्या है ये तो ठीक नहीं है तो अब लोगों को एक ईमानदार अल्टरनेटिव चाहिए वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं टीएमसी के आने से घाटा हुआ है या आपका प्लस पॉइंट हुआ है गोवा में फ्रैंकली मेरे हिसाब से तो भी टीएमसी को कोई वोट वोट नहीं मिल रहा <laughs> आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है मैं हां मेरे मेरे पोस्टर तो वहां पे सिर्फ दीदी के दिखाई दे रहे हैं दिखाई देने जी पोस्टरों से अगर चुनाव जीते जाते हैं तो फिर तो इस देश के जो सबसे करोड़पति लोग हैं वही चुनाव जीत लेते हैं ने क्या आपको बना दिया है। पहले आप आउटसाइडर थे अब आ तो तो ममता <laughs> बनर्जी आप आपको पसंद बहुत करती है पूरे देश में घूम रही है महाराष्ट्र का दौरा करके आई हैं तो उस चर्चा में उस विमर्श में उस साझेदारी में आप भी हिस्सा होने ही वाले होंगे मैं परे हूँ नहीं। <laughs> मैं बाहर हूं इस सब चर्चा से मेरे को यह सब राजनीति समझ नहीं आती जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को नहीं समझ आती मेरे को देश से बात कर रहे हैं अरविंद जी आप कि मैंने कब किया जोड़ मतलब तोड़ आपको ये मैंने तो कभी नहीं किया जोड़ तोड़ की राजनीति मैंने कब की तो अगर स्कूल ठीक तो करने हैं इस देश के स्कूल ठीक करने हैं कॉन्टैक्ट केजरीवाल इस देश के अस्पताल ठीक करने हैं कॉन्टैक्ट केजरीवाल अगर आपको बिजली ठीक करनी है इस देश की पानी ठीक करना है इस देश का सड़कें ठीक करनी है नालियां ठीक करनी है कॉन्टैक्ट केजरीवाल और अगर आपको राजनीति करनी है जोड़ तोड़ करनी है ये सब करना है कॉन्टैक्ट ऑल पीपल करेंगे सर ठीक करेंगे मैं मानता हूं सब कुछ ठीक नहीं हुआ नहीं तो मैं सर प्लीज सर सर ये हम सवालों तक पहुंच जाएंगे अरविंद जी अच्छा शांत हो जाइए अरविंद जी एन टी एमजी एम जी रामाचंद्रन प्रफुल्ल कुमार महंता इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इन्होंने भी पार्टी बनाई और चुनाव जीत गए उसी राह पर हैं आप कोई भी राह कह लीजिए हम तो अच्छी राह पे हैं जो भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं उतना ही आत्मविश्वास है उतना ही कॉन्फिडेंस जनता पे विश्वास है देखो मैंने जो अपना छोटे से राजनीतिक जीवन में देखा है अगर आप ईमानदारी से काम करें और जनता के लिए काम करें जनता आपको वोट देती है हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कभी भी नहीं था हमारे पास तो साधन भी नहीं थे एक छोटे से पहले चुनाव में आप खुद सोचो 2013 का पहला चुनाव लड़े थे जनता ने क्यों वोट दिया जनता ने देखा यार ये अन्ना आंदोलन लड़े थे ये चार पांच लड़के बड़े ईमानदार हैं कट्टर ईमानदार हैं देशभक्त हैं थोड़े जिद्दी हैं और जनता ने देख के वोट दिया तो आप अगर ईमानदारी से वोट देंगे जनता देख लेती है

ममता जी ने कल बोला या दो दिन पहले बोला था कि यूपीए खत्म है आप मानते हैं यूपीए खत्म है मेरे को इस पचड़े में नहीं पड़ना <laughs> तो आपको लगता है अगर परसों एक समूह बने जो ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टियां हैं आप में हैं आप के आप उसको लीड कर पाए नहीं नहीं मैं बहुत छोटा आदमी हूं मैं कहां लीड करूंगा बहुत बड़े-बड़े लोग हैं वो सब गिना दीजिए नहीं नहीं <laughs> <laughs> बहुत बड़े-बड़े लोग हैं वो सारी उन्हीं को मुबारक मेरे बस की बात नहीं है नहीं, पर कांग्रेस मेन ऑपोजिशन रहा है आपके हिसाब से क्योंकि ममता बनर्जी की असली लड़ाई वही दिख रही है जो पार्टी या जो समूह इस देश के लोगों को उम्मीद देगा और इस देश को आगे बढ़ाने का प्लान देगा उस देश के साथ इस देश की जनता खड़ी होगी उस समूह के साथ या उस पार्टी के साथ बाकी सब नौटंकी है राजनीति का लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए मतलब लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए देश का लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए जनता का अगर आप जनता के साथ खड़े हो तो जनता आपका साथ देगी अगर आप बनाते हो इसको हराना है उसको हराना है इसको जिताना है कर लो घर बैठ के ये राजनीति गलत राजनीति है वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल जनता की बात करो जनता के लिए क्या करोगे जनता के लिए आपके पास क्या प्लान है वो असली राजनीति है अरविंद जी जैसे कोक होता है कोक लाइट होता है कहते हैं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व है तो आम आदमी पार्टी लाइट हिंदुत्व कर रही है किसने का लाइट किसने का लाइट तो आप भी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व कर रहे हैं असली हिंदुत्व है <laughs> वो फर्जी हिंदुत्व है वो फर्जी है फर्जी है है। फर्जी, है फर्जी आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है मतलब आप हिंदुत्व है सबसे हिंदुओं के सबसे श्रद्धेय और सबसे बड़े भगवान कौन है भगवान रामचंद्र मेरे हिसाब से भगवान राम का संदेश उन्होंने जो जो बोला वाणी उनकी रामायण में जो जो लिखा है उनकी वाणी उनका आचरण यही हिंदुत्व है उसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है भगवान राम वो हैं जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं और ये लोग दलितों का लिंचिंग करते हैं ये हिंदुत्व नहीं है कहाँ रामायण में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों की लिंचिंग करनी चाहिए कहाँ रामायण में लिखा है कि एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए भगवान राम ने सबसे बड़ा त्याग करके दिखाया सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है भगवान राम राजा बनने वाले हैं अयोध्या के और रात को शाम को उनके पिताजी उनको बुलाते हैं और केकई कहती है कि राजपाट छोड़ दो पूरे अयोध्या की जनता उनको प्यार करती थी वो कहते मैं नहीं छोड़ता कोई कुछ नहीं कर सकता था अगले दिन राजा बन जाते फिर राजा बन जाते तो राम राम नहीं रहते वो दो मिनट के अंदर खुशी खुशी स्माइल करते हुए और चौदह वर्ष के वनवास के लिए चले गए ये हिंदुत्व है हिंदुत्व साम दाम दंड भेद करके इंसान को इंसान से लड़ा के वो हिंदुत्व नफरत की राजनीति हिंदुत्व नहीं है तो अच्छा एक और इंसिडेंट में बताना भगवान राम चले गए अयोध्या वहां पे वनवास फिर भरत आए भरत को पता चला भरत जाते हैं उनको वापस लाने के लिए और दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है क्या झगड़ा हो रहा है वो कहता है राज तेरा वो कहता है राज तेरा मुझे लगता है मानव जाति के इतिहास में इतना सुंदर सीन कभी देखने को नहीं मिलेगा दो भाई आज की डेट में अगर लड़ते हैं <दूश्ण> आज की डेट में अगर दो भाई लड़ते हैं वो कहता है बाप की जायदाद मेरी वो कहता है बाप की जायदाद मेरी मेरे मेरे की लड़ाई होती है उस टाइम वो कहता है ये राज तेरा वो कहता है राज तेरा ऐसे भगवान के अनुयायी हम लोग हैं ऐसे हिंदू हम लोग हैं और हम एक दूसरे को नफ़रत करनी सिखाते हैं असली हिंदुत्व है कि हर मुसलमान अपने भगवान की पूजा करे क्रिश्चियन अपने भगवान की पूजा करे हिंदू अपने भगवान की पूजा करे सब लोग शांति से पूजा करें एक दूसरे की पूजा में विघ्न डालना उस वक्त राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती थी अगर कोई किसी ऋषि को उसकी तपस्या भंग करता था तो वो राक्षस कहलाता था ये राक्षसी प्रवृत्ति है ये हिंदुत्व तो नहीं है आपका हिंदुत्व राहुल गांधी का हिंदुत्व मेल खाता है किसका राहुल गांधी जी का मुझे नहीं पता उनका क्या होगा उनका जो भी अरविंद जी आपने हिंदू और हिंदुत्व तो की परिभाषा तो दे दी लेकिन आपको फिर चुनावी हिंदू को कहा जाता है क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले आप अयोध्या गए राम मंदिर के दर्शन किए मैं तो हमेशा ही करता हूँ जब हनुमान चालीसा गाता हूँ तो आप टाइमिंग ऐसी कि... थी ना सर कि इस आप देश तो में तो चुनाव चलते ही रहते हैं मैं कभी भी मंदिर जाऊंगा तो कहेंगे देखो अब वो वाले चुनाव आने वाले हैं वो उस समय दिल्ली के चुनाव चल रहे थे हाँ तो अब मैं तो किस टाइम जाना चाहिए आप बता दो मैं उसी टाइम चला जाऊंगा आप टाइम बता देना अब जैसे अब फरवरी में चुनाव है फिर अप्रैल में चुनाव है फिर दिसंबर में चुनाव है उसके बाद अगली अप्रैल में चुनाव है मंदिर जाए ना जाए रोजाना अरे जी। जी। आप दिल्ली चुनाव से पहले नजर आए थे कितने दिन पहले जाना चाहिए <laughs> दो महीने अभी तो तीन महीने पहले गया हूं, अब तो मत बोलो चुनाव के लिए जब, जब राजनीति की उंगलियां उठती हैं एक दूसरे पर तब तय होता वो है बीजेपी वाले करते रहते हैं उनको करने दीजिए उनकी चिंता मत कीजिए आपने कहा कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में क्या आप अखिलेश यादव से हाथ नहीं मिला रहे और किस राज्य में किसके साथ गठबंधन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने आपको बताया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों की कयास हैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कयास तो नहीं sir, है फोटो थी।, फोटो थी, थी खिंचाना तो मतलब <laughs> 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 कौन सी गलत राज्यों को ऐसे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी जो कर रहे हैं आप उस सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं पर 2024 हजार के आपके लक्ष्य में नहीं है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल में चुनाव लड़कर आया मेरे लक्ष्य में केवल देश है देश का विकास कैसे होना चाहिए हम अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं हम चुनावी प्राणी नहीं है कि 24 घंटे चुनाव की बात सोचें हमें वो सब नहीं आता हमें इस देश के बारे में सोचते हैं कि देश के बारे में क्या प्लान है आप देश का शानदार प्लान बना लीजिए देश को कैसे और जनता के बीच में लेजिए जनता आपको जिता देगी लेकिन आप सोचे दो का क्या प्लान है वो सही राजनीति नहीं है देश के लिए सोचिए क्या देश प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर किसी को देख सकता है और जनता तय करेगी जनता डिसाइड करती है आपकी नज़र में आपको कोई दिख रहा है जनता तय करेगी जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा जिसको भी प्रधानमंत्री बनाए जनता वो फिर देश के लिए काम करे दैट इज इम्पोर्टेंट वो फिर नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए ये सब नहीं होना चाहिए अच्छी राजनीति होनी चाहिए क्या अरविंद केजरीवाल लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं क्योंकि आप मैं फिर से उसी बात पे आती हूँ कि आप एक ऐसे नेता हैं आपकी एक ऐसी पार्टी है जो एक कांटे का टक्कर दे रही है बीजेपी को क्या और आप एक अकेले नेता हैं जिन पे एज आपकी तरफ है अगर आप दीदी को देखें वो 66 इयर्स की हो गई हैं अगर आप बाकी जो अपोजिशन लीडर्स देखें अब एक एज होती है हो गई है क्या आप लंबी गेम खेल रहे हैं मतलब दो नहीं ट्वेंटी आपका टारगेट है या फिर थर्टी या फिर थर्टी तो लॉन्ग लॉन्ग गेम है पता नहीं पता नहीं अरविंद जी एक बार फिर से दिल्ली पर आते हैं और दिल्ली में इस वक्त दो बड़े मुद्दे एक पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जिस पर आप जवाब दे चुके हैं संक्षेप में लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब लगभग लग लग पाँच साल का वक्त बीत चुका है वो है यमुना की सफाई का मुद्दा और इस बार जो तस्वीरें आई वो दरअसल छठ पूजा के वक्त ही हर साल आती हैं लेकिन समस्या तो बरकरार है ना अरविंद जी और उसको एड्रेस किया भी जाना चाहिए मैं मानता हूँ यमुना में बहुत पल्यूशन है मैं आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे नहीं तो मेरे को वोट मत देना तो कैसे माने 2015 में भी आप ये बोले थे नहीं 2015 में यमुना हमारे उसमें था मैनिफेस्टो में था पाँच साल में आ, मैं मानता हूँ मैनिफेस्टो में था पाँच साल में हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी स्कूल खराब थे अस्पताल खराब थे ये बिजली खराब थी पानी खराब था ये सारी चीज़ें ठीक की पाँच साल के अंदर काफ़ी काम हुआ और ये सत्तर साल का जो गड़बड़ है ये केवल पाँच साल में पूरी नहीं हो सकती तो लेकिन अब हम पूरी वो वाली चीज़ें अब थोड़ा ठीक हो गई हैं तो एक अपना ढर्रे पे आ गई हैं चलने लग गई हैं अब पूरा फोकस मेरा यमुना पानी सड़कें इन चीज़ों के ऊपर है और ये ठीक करेंगे हम पानी भी आपको 24 घंटे दे देंगे यमुना भी आपको साफ़ करके

होगा मैं कह रहा हूँ होगा पर अरविंद जी पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आपको भी पता है मतलब एक टावर यहाँ पर भी लगा हुआ है दो पोल्यूशन टावर हैं दो पोल्यूशन टावर से पोल्यूशन ख़त्म होगा क्या अरविंद जी हाँ वो देखना पड़ेगा उसको देखिए दोनों चीज़ें उसमें केवल उसकी एफिकेसी भी एक फैक्टर है उसकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है कि वो कितनी दूरी तक हवा को साफ करता है कॉस्ट वो बहुत एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे एक पायलट बेसिस पे लगा है उसको पायलट थोड़ा सा और डेटा आ जाने दीजिए तो उसको स्टडी करेंगे कितना इफेक्टिव है कितना कॉस्ट इफेक्टिव है वो सारी चीज़ें अभी स्टडी करेंगे अरविंद जी यहाँ पर मौजूद हर शख्स उसके घर में बच्चा है जो स्कूल रेगुलर जाना चाहता है अब वो तंग आ गया है कभी स्कूल खुलते हैं फिर दो दिन बाद बंद हो जाते हैं फिर खुल जाते हैं हर बच्चा यही सोच रहा है कि कब दिल्ली के सीएम एक ऐसा वक्त ला पाएंगे जब हर बच्चा पहले की तरह प्री कोरोना की तरह स्कूल में रेगुलरली जा हम भी चाहते हैं हम भी बड़े कंसर्नड हैं बिकॉज लर्निंग लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर बच्चे की दोनों चीज़ें हो रही हैं केवल लर्निंग लॉस नहीं है बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा घर में बैठे बैठे संकुचित होते जा रहे हैं उनकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है वो बहुत जरूरी है जितना भी हमने बीच में खोला था लेकिन फिर पोल्यूशन की वजह से बंद करना पड़ा जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम स्कूल खोलेंगे अशोक सिंगल एक सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड मैं लेकिन थोड़ा अलग ढंग से पूछता हूँ आपसे एक तो पंजाब को लेके है और एक ममता बनर्जी को लेके है आपकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है आम आदमी वाली वो चन्नी भी कर रहे हैं चरणजीत चन्नी, चन्नी। वो कहते मैं भी टेंट लगाता था मैं भी रिक्शा चलाता था मैं आम आदमी की तरह काम करता हूँ मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कितनी परेशानी आपको वहाँ पंजाब में आ रही है चन्नी मैंने सुना में। था उनका स्टेटमेंट मतलब वो एक दिन कह रहे थे कि मैं मतलब वो हर चीज़ में मेरे को ले आते हैं कहते हैं मैं हूँ आम आदमी असली वो बोले तो कौन है आप सुनिए 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 बोले मैं हूँ इसलिए मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है केजरीवाल को आता है मेरे को गाय का दूध निकालना आता है केजरीवाल को आता है मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता मेरे को कंचे खेलने नहीं आते मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं <प्थाँगा> मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते मेरे को बिजली सस्ती करनी आती है अब पंजाब की जनता तय कर ले कि आपको गिल्ली डंडा खेलने वाला चाहिए स्कूल और अस्पताल बनाने वाला चाहिए केजरीवाल जी अरविंद जी एक, एक, एक सवाल है अच्छा। अच्छा। मतलब वो आम आदमी नहीं है है एक तो ये है। असली आम आदमी नहीं है तो दूसरा सवाल ये है अरविंद जी नहीं असली नकली की बात नहीं है अच्छा सभी आम आदमी है यार इसमें कौन सा कंपटीशन है नहीं आप पहचान है ना एक लीडरशिप आम आदमी की नहीं वो भी आम आदमी है मैं भी आम आदमी हूँ सभी आम आदमी ये कंपटीशन थोड़ी है एक दूसरे के अच्छा दूसरा अरविंद जी एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी को लेकर आपने बड़ी तारीफ की थी ममता बनर्जी की आज भी तारीफ कर रहा हूँ मेरी बड़ी दीदी है लीडरशिप को लेकर के वैसे तो दीदी आपकी लेकिन लीडरशिप की बात की थी आपने कि लीडरशिप अच्छी है उनकी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वही टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को वो हरा सकते हैं तो आपका निशाना हमेशा से नरेंद्र मोदी पे रहा है कि उनको हटाना जरूरी है उनके कार्यशैली को लेकर भी हमेशा बोलते रहे तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जिस ढंग से यूनाइट कर रही है पार्टीज़ को आपने फिर कहा कि विकास होना चाहिए मेरा मोटिव ये है तो क्या मोदी भी कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ तो क्या उनकी लीडरशिप ठीक है अगर वो ठीक नहीं है तो ममता बनर्जी जिस ढर्रे पे चल पड़ी है जो पॉलिटिक्स कर रही हैं देश भर में तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ही मोदी को टक्कर दे सकती हैं उनकी लीडरशिप में सबको आगे आना चाहिए स्टेट वाइज स्टेज वो जा करके वो कर रही हैं तो आपको उनकी लीडरशिप मंजूर है देश के अंदर देखिए वो क्या कर रही हैं मैं मेरी उनसे बात नहीं हुई कि उनका क्या प्लान है उनका आगे क्या वो है मेरी उनसे बात नहीं हुई तो मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ अगर वो उनका जो भी आगे का प्लान है नहीं उनका जो भी देश के लिए प्लान है आगे का वो अगर कभी डिटेल में उनसे बात होगी मेरी तो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा अभी वो जो भी कर रही हैं आई विश हर ऑल सक्सेस लेकिन मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता उनके प्लान के अच्छा लीडर बहुत अच्छी है शानदार लीडर है।, जी भले कहते है कि मैं राजनेता नहीं हूं लेकिन नो no कमेंट्स की सबसे अच्छी कला अभी तक इस पर एक भी टिप्पणी नहीं निकाल पाए पर अरविंद जी ये बताइए जो जो आप जिन आप जिनसे बात करते थे पहले जो आपके खुद के एडवाइजर रह चुके हैं पीके हैं प्रशांत किशोर वो ममता बैनर्जी के अभी बहुत क्लोज माने जाते हैं आपको लगता है सही सलाह दे रहे हैं उनको सही सलाह दे रहे होंगे तभी ममता जी ने उनको रखा हुआ है अपने पास अगर नहीं देते तो ममता जी हटा देती ममता जी बड़ी इंटेलिजेंट है सही दे रहे हैं अरविंद जी एक गाना सुना होगा आपने तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म एक वक्त ऐसा था जब मोदी जी के नाम से ही आपका हर भाषण हर संबोधन हर वाक्य शुरू होता था बार बार मोदी जी का बहुत दिन से आपने उनका नाम ही नहीं लिया कोई सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है आपकी या फिर आप जानबूझ कर आ, आप क्यों उनका नाम सुनना चाहते हैं मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है अगर कोई भी गलत जैसे तीनों काले कानून आए हमने कहा कि काले कानून गलत हैं मैंने तो बोला विधानसभा में अभी आपने जिक्र किया कि कि आपने आपने कहा कि इनकी क्या गत बना दी मैंने बोला आपने कहा सीनियर लीडर्स ने गत बना दिया का नाम नहीं लिया आपने कहा मुझे अच्छा अच्छा आप, आप ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी ने गत अगली बार बोल देंगे अगर आप चाहती हैं तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे जरूर चलिए पांच राज्यों के चुनाव हैं आपने पूरी चर्चा की अलग अलग राज्यों को लेकर हालांकि सर्वे का इंतजार आप अभी करना चाहेंगे और हम सब भी करना चाहेंगे उसका लेकिन बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू